गाइस, मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र। आज की वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपके जो सीपीयू है डेस्कटॉप, उसका आगे वाला ऑडियो जैक खराब हो जाता है तो जो पीछे उसके तीन ऑडियो जैक है, फॉर एग्जांपल ये तीन ऑडियो जैक, उनमें तीन चीजें कैसे चलाए, तीन चीजें एक साथ, फॉर एग्जाम्पल तीन चीजें क्या है, हम उसके साथ में एक हैंडफोन चलाना चाहते हैं, ठीक है, और एक माइक्रोफोन चलाना चाहते हैं और एक साउंड या स्पीकर चलाना चाहते हैं, तीनों चीज इनके एक साथ इन जैक के अंदर कैसे चलाए ऑडियो जैक के अंदर, तो वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हमें एक छोटी बात जान लेनी चाहिए, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इन तीनों को यूज क्या है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, जो ये पिंक रंग का है इसका तो यूज आप शायद जानते ही होंगे, इसका यूज है माइक्रोफोन के लिए, मिक के लिए, अगर हम कुछ भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसमें डाल के ही रिकॉर्डिंग करते हैं। दूसरा आता है ये वाला रंग, ठीक है, इस वाले रंग के अंदर क्या होता है कि अगर हमें कोई भी साउंड या स्पीकर का आउटपुट देना है तो इसमें देते हैं, इसको हम लाइन आउट भी कहते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को, वो है ये थोड़ा थोड़ा आसमानी रंग जो दिखा, इसका यूज क्या है, इसको हम लाइन इन कहते हैं। इसका यूज क्या है, वेल दोस्तों, जो मुझे इसका यूज ये लगता है कि फॉर एग्जाम्पल आप ऑडियो मिक्सिंग करना है तो इसके अंदर लाइनिंग देंगे, फॉर एग्जाम्पल आप एक गिटार बजाते हैं डिजिटल करना है तो इसके अंदर लाइनिंग देंगे, और फॉर एग्जाम्पल सीडी या म्यूजिक प्लेयर है तो इसमें लाइन इन दे सकते हैं, तो इसके लिए इसका यूज आता है। तो आज की वीडियो में आपको यह बताने वाला हूँ कि जो सेटिंग करनी है वो हम कंप्यूटर किस प्रकार की सेटिंग करनी है ताकि हमारा वो उसमें चल सके, मतलब तीनों एक साथ चल सके, उसकी सेटिंग कैसे करनी है इसके ड्राइव में जाकर, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं हमने हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। एक दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जो विंडोज 8 है उसके 10 है और 7 है, उसके अंदर ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं, क्योंकि अगर हम हमारे कंप्यूटर में ड्राइवर नहीं डालेंगे तो आवाज़ तो आ जाएगी, लेकिन हमें जो ऑप्शन आते हैं आपकी ऑडियो सेटिंग सही करने, वो ऑप्शन शो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर की DVD जरूर इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद ही आपके जो कंट्रोल पैनल में ऑप्शन शो होगा, जो नीचे टास्क बार है वहाँ भी ऑप्शन शो होगा, ठीक है। अब ये कैसे चेक करना है आपको ड्राइवर है या नहीं, आप जो ये छोटा आइकन है यहाँ देगा, देख लीजिए, ऐसा ऑडियो का कुछ लोगो होगा तो इसका मतलब आपके ड्राइवर इंस्टॉल है। सबसे पहले हमें साउंड वाली पिन डालनी चाहिए, क्योंकि बाद में ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैं पिन डालता हूँ और जो अंदर एक ऑप्शन शो होता है, उसके अंदर हमें फ्रंट आउटो स्पीकर पर क्लिक कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम मिक वाली पिन डालेंगे और उसके बाद में मिक वाला ऑप्शन देखिए हम इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लाइनअप कनेक्शन डालेंगे और जो यहाँ पर ये ऑप्शन शो हो रहा है हैंड फोन, हम इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इस पर का हमने तीनों की सेटिंग कर दी और फिर ओके कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम तीनों चीज़ों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हम ये काम हमारे PC में कर सकते हैं। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।